ग्रीन पार्क स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए सुर्खियों में रहता है, मगर शनिवार को यहां खेले गए क्रिकेट मैच में सियासत का फुट भी नजर आया, क्योंकि बैट खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने थाम रखा था। वहीं बॉलर बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा के हाथ में थी, तो वहीं विकेट कीपर सुरेंद्र मैथानी थे। बिठूर विधायक ने बॉल फेंकी, जहां चार बॉल पर शॉट मारा, वहीं दो बॉल चूक गए। लास्ट बॉल पर फिर चूके तो सुरेंद्र मैथानी ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया। मैच खेलने के दौरान पूरा माहौल हंसी ठठाकों से गूंज रहा था। केशव के बॉल पर शॉट नहीं मारने पर विधायक सांगा ने कहा, मैच पूरी तरीके से फिक्स हो गया है। इस पर मौर्य ने बॉल को खेलते हुए शॉट मार दिया। वहीं पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया फील्डिंग करते भी नजर आए। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने स्टंपिंग कर कहा कि आप आउट हो गए हैं, और इस पर मौर्य ने कहा, हम आपको आउट कर देंगे। आपको बता दें कि ग्रीन पार्क से पहले केशव प्रसाद मौर्य जांच मौके जाना गांव पहुंचे। सड़कों पर गौवंश घूमने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दूध सब पीना चाहते हैं, लेकिन गौवंश को कोई पालना नहीं चाहता, गौ माता की सेवा कोई नहीं करना चाहता। सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, कुछ जिम्मेदारी समाज को भी निभानी चाहिए। इसके साथ ही डिप्टी सीएम नगर निगम की कान्हा गौशाला की व्यवस्थाओं को भी देखने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।